शासकीय चरण की मांग को लेकर प्रदेश के पंचायत सचिव का निश्चितकालीन हड़ताल जारी है। वहीं आंदोलनरत सचिव संघ भूपेश सरकार को नींद से जगाने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 20 दिनों से हड़ताल कर रहे पंचायत सचिवों ने कभी सद्बुद्धि यज्ञ तो कभी भीख मांग कर वो भैंस के आगे बिन बजाकर प्रदर्शन किया। इसी क्रम में अब उन्होंने क्रमिक उपवास की शुरुआत भी कर दी है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बने 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन भूपेश सरकार द्वारा घोषणा पत्र में किए गए कई वादे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। भले ही सरकार इन 2 साल के कार्यकाल में अधिकांश वादे पूरे करने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत एक अलग तस्वीर बयां कर रही है। सरकार के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। बावजूद इसके सरकार इन संगठनों के प्रति सब कुछ सकारात्मक पहल करते नजर नहीं आ रही है। प्रदेश के पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों ने आंदोलन के 20वें दिन द न्यूज से बात करते हुए कहा कि 12 जनवरी से आगामी 20 जनवरी तक क्रमिक भूख हड़ताल रखा जाएगा। इसके बावजूद यदि सरकार मांगों के प्रति ध्यान नहीं देती है तो आने वाले दिनों में जंगी प्रदर्शन कर भूपेश सरकार को नींद से जगाया जाएगा। पंचायत सचिव संघ का एक सूत्री मांग है, 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के बाद हमें नियमित किया जाए और रोजगार सहायकों का भी वही पे ग्रेड निर्धारण किया जाए और जैसे नगर निगम में उनका पंचायत शामिल है तो उनको नगर निगम में मर्ज किया जाए। 12 तारीख से 20 तारीख तक क्रमिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा गया है। 21 तारीख से पूरे प्रांत के जितने भी 11,000 पंचायत सचिव हैं, 11,000 रोजगार सहायक हैं, 22,000 यहाँ आके क्रमिक भूख हड़ताल में बैठेंगे 21 से 25 तक। 25 को फिर यहाँ जंगी रैली है पूरे परिवार के साथ में, 11,000 पंचायत सचिव और 11,000 रोजगार सहायक और उनके परिवार मिला के टोटल 50,000 यहाँ का जंगी रैली है। यानी पंचायत मंत्री के साथ में डेलीगेशन हुआ है, लेकिन वो अपने मुखाग्र बिंदु से आश्वासन बस दे रहे हैं, लेकिन पूरा प्रांत स्तर से पूरे छत्तीसगढ़ में यही है कि आश्वासन, क्योंकि बहुत धोखा खा चुके तो आश्वासन में नहीं, लिखित रूप से मिले तभी हड़ताल वापसी होगा, नहीं तो आंदोलन लगातार जारी ही रहे। बहरहाल हड़ताल कर रहे सचिवों और रोजगार सहायकों में अधिकांश सचिव व रोजगार सहायक ऐसे हैं जिन्हें अपने आजीविका चलाना दुभर हो गया है। ऐसे में अभी काम बंद होने से न सिर्फ सरकार की योजनाओं पर प्रभाव पड़ा है बल्कि आंदोलनकारियों की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। आंदोलनकारियों ने सरकार से जल्द मांग पूरी करने गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों पर सरकार क्या रुख अपनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्यकांत गौतम के साथ प्रमोद साहू की रिपोर्ट।